हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर रेशनलाइजेशन जो कि स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स रेशनलाइजेशन। इसमें से कुछ हम लोग इम्पोर्टेंस आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस रेशनलाइजेशन चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं और इम्पोर्टेंस टॉपिक है, सबसे पहले उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? इस रेशनलाइजेशन में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी डिनोमिनेटर का हम लोग रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स यदि इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? जो कि पी बाई क्यू के रूप में रहता है, पी बाई क्यू के रूप में रहता है, इसको बोलते हैं। यही इसी को हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशनल नंबर्स का। सबसे फर्स्ट है कि ये अंडर रूट ए का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट का वैल्यू होता है। सपोज दैट मान लिए ये अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर है? दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 होगा, ये रूट का वैल्यू होता है। दैट मीन्स रूट का वैल्यू मेरा 1/2 होता है। यदि अंडर रूट एक्स हो तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स द पावर हाफ। क्लियर है? दैट मीन्स रूट का वैल्यू होता है हाफ। तो हम लोग ये अंडर रूट ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ए के बराबर हो जाएगा। कंडीशन है कि यदि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए करते हैं तो ये हाफ ए, हाफ ए दैट मीन्स कंप्लीट ए, दैट मीन्स ए के बराबर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इजकल टू ए के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी यदि है तो अंडर रूट कंप्लीटली ए इंटू बी भी राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स अंडर रूट ए इंटू बी भी हम लोग राइट कर सकते हैं। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे, विच इज अ रिलेशन ऑफ रेशनलाइजेशन, जो कि रेशनलाइजेशन से रिलेटेड रहता है। दैट मीन्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस फॉर्मेट हैं जिसको रेशनलाइजेशन के पहले हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? दैट मीन्स ये सारे पॉइंट्स, सेवन पॉइंट्स हम राइट करवाए, सेवन पॉइंट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अ रेशनलाइजेशन। क्लियर है? तो ये रेशनलाइजेशन के पहले हम लोग को ये प्रॉपर्टी देखना मस्ट हो जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग समझे, ये समझे कि अंडर रूट ए स्क्वायर इजकल टू ए होता है। कंडीशन है कि अंडर रूट का वैल्यू होता है हाफ, दैट मीन्स हाफ एक्स और हाफ एक्स दैट मीन्स कंप्लीट एक्स। तो एक्स के प्लेस पर मेरा ए है, तो ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इजकल टू ए। नेक्स्ट है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इजकल टू अंडर रूट ए इंटू बी, दैट मीन्स दिस टर्म वी हैव टू राइट नाउ। क्लियर है? जस्ट लाइक उसी तरह से ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। तो अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी इजकल टू अंडर रूट, ये दोनों का अंडर रूट करके ए बाई बी वी कैन राइट इट। क्लियर है? तो हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, अंडर रूट ए बाई बी। क्लियर है? अब नेक्स्ट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इजकल टू ए माइनस बी होता है। स्टेप बाई स्टेप हम लोग प्रूव्ड करेंगे कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इजकल टू ए माइनस बी कैसे हुआ। क्लियर है? तो यदि हम लोग स्टेप बाई स्टेप समझते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंस आइडेंटिटीज है हम लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट केयरफुल्ली यदि हम इस पॉइंट को देखते हैं तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। क्लियर है? ये हम लोग फार्मूला जानते भी हैं कि यदि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्लियर है? दैट मीन्स ये और ये का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस है, दैट मीन्स ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, और अंडर रूट बी का स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट, इसका मतलब जस्ट अभी बताया कि ये अंडर रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो अंडर रूट ए यदि है, इसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू काउंट कर यदि करते हैं तो ए मीन्स 1/2 और इंटू टू, ये और ये कैंसिल, दैट मीन्स ए। तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर इजकल टू ए हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इजकल टू बी हो जाएगा। सो दिस इज अ
रिजल्ट, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट फाइव हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। दैट मीन्स यदि ए प्लस अंडर रूट बी है, क्लियर, और ए माइनस अंडर रूट बी है, तो केयरफुली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स ए प्लस है माइनस है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, क्लियर। दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर का मतलब होता है ये बी, चूंकि अंडर रूट यदि बी है का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है बी हाफ इंटू टू। दैट मीन्स ये यदि टू रखते हैं तो ये और ये कैंसिल इजकल टू बी के बराबर होता है। दैट मीन्स ये बराबर हो गया, क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई थिंक इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए हो, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का वैल्यू। तो ऑलरेडी हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर यदि हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। वन रिजल्ट हम करके दिखा देते हैं। दैट मीन्स अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो एज वी नो दैट हम लोग जैसा कि क्लास एट में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए प्लस बी इजकल का स्क्वायर इजकल टू ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स यदि ये प्लस है और इसी में यदि माइनस हम इंक्लूड कर दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। सो आई थिंक ये पॉइंट्स भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर थोड़े जस्ट लाइक उसी के पर डिपेंडेंट था। तो वन टाइम हम लोग अंडर रूट में देख लेते हैं कि अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, क्लियर है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे पॉइंट्स को। दैट मीन्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर यदि हम लोग को फाइंड करना हो तो इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। दैट मीन्स अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस टू ए की प्लेस पर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, क्लियर है। दैट मीन्स ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। दैट मीन्स ए प्लस टू और अंडर रूट, अभी हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी को यदि सिंप्लीफाई किए तो अंडर रूट ए इंटू बी के फॉर्म में था, तो दिस टाइप वी हैव टू राइट। दैट मीन्स ए इंटू बी एंड प्लस ये बी। तो आई थिंक इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। दैट मीन्स पॉइंट था कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। दैट मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ देंगे तो ए प्लस माइनस टू इन टू अंडर रूट ए बी प्लस बी, क्लियर है। तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पॉइंट पर सेवन पॉइंट्स को हम लोग यदि एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग ये फाइंड करेंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट्स है, दैट मीन्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप यहाँ है। दैट मीन्स ए है, बी है, सी है, डी है, तो हाउ टू मल्टीप्लाई इट, क्लियर है। तो यदि वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट डी को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लियर वे से हम लोग यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्लियर है। ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, तो इसको यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दैट मीन्स अंडर रूट ए अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, क्लियर है। अब प्लस अब इस अंडर रूट बी को ये दोनों से यदि मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, क्लियर है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी हो तो ये रिजल्ट कैसे आया, क्लियर है। तो
हम लोग क्लियरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट ए, इस अंडर रूट ए को ये अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई किए और अंडर रूट बी को अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग का रिजल्ट ये होता है, दैट मीन्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, क्लियर है, दैट मीन्स अंडर रूट ए अंडर रूट सी अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी प्लस, ये प्लस है तो ये मेरा क्लियर हो गया यहाँ तक का वर्क। नेक्स्ट अंडर रूट बी को अंडर रूट सी से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी और प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, क्लियर है। अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया, अब वन बाई स्टेप बाई स्टेप हम लोग समझेंगे, दैट मीन्स ए सी है तो अंडर रूट क्या ए सी राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, नो डाउट। अब अंडर रूट ए है और अंडर रूट बी डी है तो अंडर रूट ए डी राइट कर सकते हैं, एकदम राइट कर सकते हैं। अब अंडर रूट और अंडर रूट बी है, दैट मीन्स अंडर रूट बी सी राइट कर सकते हैं, एकदम क्लियर रूप है कि राइट कर सकते हैं, चूंकि ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी हो तो अंडर रूट ए बी में हम लोग राइट कर सकते हैं, क्लियर है। अब अंडर रूट ये ए मेरा स्टेप क्लियर हो गया, अब इसके सहारे हम लोग अरेंज कर देंगे, दैट मीन्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, दैट मीन्स ये सॉरी ये बी डी है, दैट मीन्स बी डी राइट करें, क्लियर है, अंडर रूट बी डी, क्लियर है। तो आई थिंक इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। वंस अगेन यदि हम लोग इसको समझना चाहते हैं इस पॉइंट को तो समझ ले सकते हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन है, क्लियर है, थोड़ा सा टफ है कि किसी भी पी बाई क्यू को रेशनलाइज करने में थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी का हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी, दैट मीन्स विच इज राइट हेयर सम प्रॉपर्टीज एंड सम आइडेंटिटीज, क्लियर है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग राइट करवा दिए, वंस अगेन हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रेशनलाइजेशन के लिए, क्योंकि पॉइंट यदि क्लियर नहीं हो तो कोई भी पी बाई क्यू को रेशनलाइज करना बहुत ही टफ हो जाता है, क्लियर है। तो वन बाई वन इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट ए का स्क्वायर इजकल टू ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बाई बी हो जाएगा। अब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी है तो ए माइनस बी होगा। प्रीवियस में हम लोग जस्ट अभी समझाए कि आखिर कैसे होता है, क्लियर है। यदि आप एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिमेंबर करना चाहें तो रिमेंबर भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो यदि पॉसिबल हो तो इसको रिमेंबर भी कर लीजिए, क्योंकि है कुछ नहीं, सिर्फ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए, दैट मीन्स अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इजकल टू रिजल्ट देती है ए माइनस बी, क्लियर है। नेक्स्ट है ए प्लस बी, अब यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट रिमूव है, दैट मीन्स ये हेयर ए स्क्वायर एंड माइनस बी, क्लियर है, दैट मीन्स ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट है सेवन सिक्स नंबर, अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो जस्ट अभी एक्सप्लेन किए कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो तो कैसे हो, दैट मीन्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप इसको तोड़ दीजिए, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर यदि इसको तोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट ये आता है, दैट मीन्स ए प्लस माइनस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी, क्लियर है। नेक्स्ट है सेवन नंबर है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी इजकल टू अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी और प्लस अंडर रूट बी डी, जो कि ये इसका रिजल्ट हुआ ये, दैट मीन्स जस्ट अभी इसको एक्सप्लेन किए यहाँ पर, क्लियर है। दैट मीन्स हेयर वी राइट अ सेवन टॉपिक, आई थिंक ये सेवन टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। तो
तो मे बी हो सके तो आप इसको रिमेम्बर कर लीजिए, अदरवाइज यदि आप एक्सप्लेन करके इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, क्लियर है। तो अब ये पॉइंट्स देने के बाद कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे और रेशनलाइज हम लोग आज सीखेंगे। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग देखते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कुछ क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है। तो प्रीवियस पॉइंट्स को हम लोग को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, केयरफुली हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, क्लियर है। दैट मीन्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये प्रीवियस क्लास में भी इस टाइप से हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। दैट मीन्स रेशनलाइजेशन नहीं था, बट क्या था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन था, जो कि हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं विदाउट अंडर रूट में। तो अब इस रेशनलाइजेशन में कुछ क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफाई करना है, तो इन इजी वे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो वन बाय वन हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3, केयरफुली क्वेश्चन को देखेंगे, इनटू 2 प्लस अंडर रूट 2। यदि सॉल्यूशन राइट करते हैं तो इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि ये बहुत ही कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले पॉइंट्स होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट और सॉल्यूशन, क्लियर है। आप सॉल्यूशन लिखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप किसी भी क्वेश्चन को आप बनाते हैं तो आपका वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, क्लियर। तो वंस अगेन वी हैव टू राइट दिस नंबर, दैट मीन्स दिस वन, 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, क्लियर है। देखिए अब इसको, ये 3 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स ये 3 को 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, अब ये अंडर रूट 3 को 2 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 6 होगा, ये 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स प्लस 3 अंडर रूट 2, और प्लस ये अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 6 होता है, क्लियर है। चूंकि हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, वंस अगेन हम लोग प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज था कि यदि अंडर रूट ए हो और अंडर रूट बी हो तो हाउ टू मल्टीप्लाई इट, दैट मीन्स अंडर रूट ए और बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग यही किए कि अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से यदि मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, अंडर रूट 6 आया, क्लियर है। तो आई थिंक दिस इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आंसर, क्लियर है, ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5, क्लियर है। तो सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5। देखिए क्वेश्चन को यदि हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग का इजी हो जाएगा, क्लियर है। 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5, ना क्या है, ये 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 7 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5।
5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस 5 टू जा 10, अब प्लस 5 को रूट 5 से, दैट मींस 5 रूट 5 प्लस रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 7, और रूट 7 को रूट 5 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वन स्टेप हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, क्लियर है, 7 इंटू रूट 7 दैट मीन्स 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 और प्लस रूट 7 5 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट करते हैं 35, सो दिस इज आई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। वंस अगेन हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्लियर है, दैट मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट 7 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना, क्लियर है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग राइट क्या किए कि ये 5 को ये दोनों से यदि मल्टीप्लाई किए तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10, और 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 5 आएगा, प्लस रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 2 रूट 7, और प्लस 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 रूट 7 इंटू रूट 5 इजकल टू 35, क्लियर है। तो ये 10 ही रह गया, ये जो कहते हो क्लियर किए, ये अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 इजकल टू अंडर रूट 35, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। तो यदि आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप देख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब थर्ड नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है, क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5, केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्लियर है, 5 माइनस रूट 5, देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर, यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यदि चाहें तो हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के भी फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, क्लियर है, चूंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, दैट मीन्स सॉल्यूशन, वंस अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग राइट करते हैं 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। दो तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, तो दोनों तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्लियर है। दैट मीन्स 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस अंडर रूट 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25, अब प्लस माइनस माइनस 5 रूट 5, अब प्लस प्लस 5 रूट 5 एंड प्लस माइनस माइनस रूट 5 इंटू रूट 5, अब ये 25 और ये माइनस है प्लस है कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस रूट 5 और इंटू रूट 5, सपोज दैट हम लोग देखते हैं दैट मीन्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स इजकल टू एक्स के बराबर था, क्लियर है, तो एक्स के प्लेस पर मेरा 5 है, दैट मीन्स ये 5 हो जाएगा, ये 25 माइनस 5 इजकल टू 20, सो दिस इज अ आंसर। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, वन टाइम फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, दैट मीन्स ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस यदि दोनों का यदि कम्बिनेशन देखते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आता है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग राइट करते हैं, तो ये प्लस था और ये माइनस है, तो ये 5 को ये दोनों से मल्टीप्लाई किए, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंडर रूट 5 है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई किए, तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद 5 इंटू 5
दैट मीन्स 25 और 5 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 5. अब ये प्लस है रूट 5, तो 5 रूट 5 माइनस, अब ये रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स माइनस रूट 5 इंटू रूट 5. क्लियर है? ये 5 इंटू 5 25, अभी माइनस प्लस कैंसिल, दैट मीन्स रूट 5 रूट 5 5 के इक्वल होता है, और 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20. सो दिस इज आंसर. क्लियर है? ये एक मेथड से बना है, अब सेकेंड मेथड से हम लोग बना करके देखते हैं. क्लियर है? यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं? क्लियर है? सपोज दैट ये है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट ये 5. क्लियर है? ये प्लस है, ये माइनस है. पल भर के लिए यदि हम इसको देखेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है. दैट मीन्स हम लोग जिस टाइप राइट करते हैं, ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये एक प्लेस पर मेरा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और माइनस बी के प्लेस पर अंडर रूट 5 है, तो इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 5 जो 25 माइनस रूट 5 रूट 5 इजकल टू 5. सो दैट इज आंसर. क्लियर है? ये 20 आया, जो कि ये इसके इक्वल है. सो ये था फर्स्ट मेथड, मेथड 1, और ये है सेकेंड मेथड, आप कोई भी मेथड से आप इसको बना सकते हैं. क्लियर है? थर्ड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है. नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर. क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग एक मेथड ही यदि यूज करते हैं तो इट्स इनफ. दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर यदि तोड़ते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर पर यदि तोड़ते हैं तो मेरा आंसर फाइंड हो जाएगा. क्लियर है? तो दैट मीन्स केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है. दैट मीन्स अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स सिंप्लीफाई करना है. क्लियर है? तो अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर यदि हम तोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर. दैट मीन्स यदि a 11 का स्क्वायर माइनस 2 और इंटू a के प्लेस पर अंडर रूट 11 और इंटू b के प्लेस पर अंडर रूट 5 प्लस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर. क्लियर है? नेक्स्ट दैट मीन्स 11 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 11 इंटू 11 यदि हम लोग राइट करते हैं तो ये मेरा फाइंड होता है, 11 फाइंड होता है. दैट मीन्स यदि इसको भी यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो दिस टाइम वी हैव टू एक्सप्लेन इट. दैट मीन्स 11 का इस हाफ इंटू 11 का हाफ यदि ये कैलकुलेट करते हैं तो 11 का 1 हो जाता है. क्लियर? हाफ प्लस हाफ, दैट मीन्स 11 ये हाफ प्लस हाफ इजकल टू 11 का ये पावर 1, दैट मीन्स 11 का इक्वल हो जाता है. क्लियर है? तो रूट 11 का स्क्वायर इजकल टू 11 का इक्वल होता है अब माइनस 2 और इन टू ये 11 इंटू 5 इजकल टू 55 और प्लस रूट 5 रूट 5 5. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं. दैट मीन्स 11 प्लस 5 करते हैं तो ये 16 के बराबर माइनस 2 रूट 55. मे बी आप चाहें तो कॉमन भी राइट कर सकते हैं. दैट मीन्स 2 8 माइनस 55. सो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे.
वंस अगेन हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ देंगे, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स होल स्क्वायर करते हैं, तो 11 का स्क्वायर होता है माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर अंडर रूट 11 है और बी के प्लेस पर अंडर रूट 5 है, तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 5 प्लस ये बी के प्लेस पर अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्लियर है, अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस ये दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 55 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5, अब 11 और 5 को ऐड किए और माइनस 2 रूट ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स अंडर रूट 11 और अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 55 आता है, दैट मीन्स इनको कॉमन निकालते हैं तो 8 माइनस अंडर रूट 55 मेरा रिमाइंडर बचता है जो कि आंसर है, क्लियर है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये माइनस है, अब हम लोग को प्लस देखना है, क्लियर है, दैट मीन्स 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ माइनस था अब यहाँ प्लस है, तो माइनस के लिए हम लोग जिस टाइप फार्मूला यूज किए थे अब प्लस के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, तो इसी फॉर्म पर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे, क्लियर है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्लियर, दैट मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग समझाया अंडर रूट यदि a इंटू अंडर रूट a हो तो a के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी भी हम लोग ऐड करवाए, जस्ट लाइक अंडर रूट यदि 5 इंटू अंडर रूट 5 हो तो ये 5 हो जाता है, क्लियर है, ये प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इजकल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 इजकल टू अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, दैट मीन्स 2 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट स्टेप मेरा हो जाएगा ये 5 प्लस 2 इजकल टू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, सो दैट इज आंसर, क्लियर है, आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है, ये इस क्वेश्चन को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ दिए था, कुछ भी नहीं, ओनली फॉर फार्मूला पर हम लोग ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला यूज किए इस क्वेश्चन में, सो हम लोग क्या पाए कि 7 प्लस 2 रूट 10, सो दैट इज आंसर, क्लियर है, अब आज के लिए इतना ही, चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन देखे, आई थिंक ये 5ों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा और प्रीवियस पॉइंट भी जो हम समझा है वो भी समझ में आ गया होगा, तो हम कुछ ऐसा होमवर्क दे देते हैं इसी टाइप का, दैट मीन्स इसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट कुछ हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं ताकि एज अ होमवर्क के रूप में आप सभी स्टूडेंट्स बना सके, क्लियर है, यदि आप लोग से नहीं बनता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस टाइप का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्लियर है, और जो भी क्वेश्चन एज अ होमवर्क के रूप में देंगे वो नेक्स्ट डे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट डे उसी टाइप का क्वेश्चन पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर है, तो अब हम लोग क्वेश्चन कुछ राइट कर देते हैं एज अ होमवर्क के रूप में,
ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफाई करना है, क्लियर है। ये प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा सारा क्वेश्चन हम लोग दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं अबाउट। तो 8 क्वेश्चंस आशा है कि आप लोग से ये 8 का 8 क्वेश्चन बन जाए, क्लियर है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग एक्सप्लेन किए और सिंप्लीफाई किए, जस्ट लाइक उसी टाइप से हम लोग को ये सॉल्व करना है, क्लियर है। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से करेंगे कि जो अभी प्रीवियस सेक्शन में हम लोग जो इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट्स राइट करवाए, तो उस पॉइंट्स को आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा, ताकि आगे का क्वेश्चन जो भी सिंप्लीफाई करे वो आपके लिए इजी हो जाए, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज ओनली हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई किए। जो भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई किए प्रीवियस पॉइंट के डिपेंडेंट पर। तो नेक्स्ट डे हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही।